हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 को फ्रॉम द एक्सरसाइज चैप्टर 1 केमिस्ट्री हम सॉल्व कर रहे हैं। सारी वीडियो को मैंने इसमें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन मैंने किए हैं, सारी थ्योरीज हमने किए हैं, तो एक्सप्लेन करना है फॉर द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद द टू एग्जाम्पल्स इन ईच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखिए, यहाँ पर एडिशन है। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? जब किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिलती है, किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए, उसी को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो देखिए, मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ आई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल मैंने ली है कॉपर ऑक्साइड। जब वाटर के साथ आए, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडाइज। और यहाँ पर रिडक्शन भी देखने को मिला है, क्योंकि जब रिमूवल होता है ऑक्सीजन का, तो कॉपर ऑक्साइड, इसके अंदर मैं कह सकता हूँ कॉपर ऑक्साइड इसी रिएक्शन में वो रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस्ड। ठीक है, यानी रिडक्शन हुआ है इसमें कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में, और हाइड्रोजन गैस से वाटर में यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। रिडक्शन किसे कहते हैं? जब उसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है किसी सब्सटेंस के अंदर, या फिर समझ लीजिए रिमूवल, यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको भी हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखनी है। तो आप देखोगे जिंक ऑक्साइड जब कॉपर के साथ आया तो जिंक बन गया, और यहाँ कॉपर मोनोऑक्साइड तैयार हो गया। तो हुआ क्या है, जिंक ऑक्साइड जो था वो जिंक बन गया, मतलब इसके अंदर हुआ है रिडक्शन, क्योंकि यहाँ से रिमूवल ऑफ, तो जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन को ही हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, और देखिए दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है आयरन को। जब फेरिक ऑक्साइड है ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाया गया, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन तैयार हुए। ठीक है, तो देखिए आयरन जो है वो बेचारा अकेला हो गया आयरन ऑक्साइड से, मतलब इसके अंदर हुआ है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम कहते हैं रिडक्शन, और एल्यूमिनियम का मिल गया ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडेशन हुआ इसके अंदर। तो हमें बताना है रिडक्शन क्या हो रहा है, तो यहाँ पे बता सकते हैं Fe2O3 वो है रिड्यूस्ड, जिसमें रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन हुआ इसमें ऐसी ऑक्सीजन से जिंक ऑक्साइड से जिंक बना, तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ। ठीक है, ऑक्सीडेशन हमें बताना था, तो हाइड्रोजन से वाटर बना, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, और यहाँ मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुआ। ठीक है, आई होप आपके समझ में होगा। और भी मैंने बहुत सारी एग्जांपल लेकर इसको डिस्कस किया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अलग वीडियो बनी हुई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल को लेकर, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।